हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सब की बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे गणित के टॉप 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, एक गोले का व्यास दिया है डी, उसका आयतन कितना होगा। गोले का व्यास दिया है यहाँ पे डी, आयतन पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे दोस्तों, व्यास दिया है यहाँ पे, व्यास दिया है डी, तो सबसे पहले हम इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या निकालेंगे कितना हो जाएगा, त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास का आधा हो जाएगा, तो डी बटा दो त्रिज्या हो गया। अब आयतन पूछ रहा है, आयतन निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे दोस्तों, चार बटा तीन पाई आर घाते तीन, तो चार बटा तीन पाई ऐसे रहेगा, आर की जगह रखेंगे डी बटा दो पी का पावर हो जाएगा तीन, तो चार बटा तीन पाई डी के पावर यहाँ पे हो जाएगा तीन, अब बटे दो का पावर तीन कितना हो जाएगा दोस्तों, आठ हो जाएगा। चार एक का चार, चार दूनी आठ, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई डी घाते तीन बटे तीन दूनी छह। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसे मैच कर रहा है। डी वाला जो है इसका ऑप्शन मैच कर रहा है, एक बटा छह पाई डी घाते तीन। तो यहाँ पे देखिएगा ये भी यहाँ भी उत्तर आया है पाई डी घाते तीन बटा छह। दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों, 24 सेंटीमीटर व्यास और 6 सेंटीमीटर ऊंचे एक लंबवृत्ति शंकु को पिघलाकर बनाए गए ठोस गोले की त्रिज्या बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, इधर दिया है शंकु, इधर शंकु, शंकु को पिघलाकर, शंकु को पिघलाकर गोला बनाया जा रहा है। तो यहां पे शंकु की त्रिज्या दिया है कितना दोस्तों, शंकु का व्यास दिया है कितना 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकाल लेंगे कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई भी दिया है कितना 6 सेंटीमीटर, यच का मान दिया है 6 सेंटीमीटर। अब इसको पिघलाकर गोला बनाया जा रहा है, तो पूछ रहा है कि गोले की त्रिज्या क्या होगा, तो हम मान लेते हैं आर। तो यहां पे देखिए दोस्तों, शंकु को पिघलाकर गोला बनाया जा रहा है तो इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जो होगा वो गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा, गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो शंकु का आयतन कैसे निकालेंगे दोस्तों, सूत्र लगाएंगे, एक बटा तीन पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन चार बटा तीन पाई आर घाते तीन, यहां पे गोले की त्रिज्या को कैपिटल आर मान लेते हैं यहां पे, तो तीन से तीन कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, स्मॉल आर का मान दिया दोस्तों 12, 12 का स्क्वायर गुणते एच का मान 6 बराबर 4 गुणते आर पे घाते 3 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 144 और गुणते 6 बराबर 4 गुणते आर घाते 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 तियाई 6 हो जाएगा। अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 सते 14 2 दूनी 4 हो जाएगा। आर क्यूब का मान निकालेंगे दोस्तों क्या आएगा, 3 दूनी 6 3 सते 21, आर का मान निकालेंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा घनमूल हो जाएगा, तो 216 का घनमूल कितना होता है 6 होता है, तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। सवाल नंबर तीसरा देखते हैं दोस्तों, निम्न चित्र में यक्ष का मान बताइए। ये चित्र बना हुआ है दोस्तों, इसमें इस यक्ष का मान बताना है। यहां पे देखिएगा ये वृत्त है और वृत्त वृत्त के अंतर्गत एक चतुर्भुज बना हुआ है और ये चतुर्भुज के चारों शीर्ष जो है इस वृत्त के शीर्ष को छू रहे हैं, तो ये चतुर्भुज जो हो गया इसको बोलते हैं चक्री चतुर्भुज। तो चक्री चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज होता है दोस्तों, यहाँ पे जो कोण बनता है ये बाहरी कोण के क्या होता है बराबर होता है, तो इसमें यक्ष का मान कितना आ जाएगा, यक्ष का मान इसमें आएगा 80 डिग्री, यक्ष का मान कितना आएगा 80 डिग्री। तो यदि आप इसको दूसरे नियम से लगाना चाहते हैं दोस्तों, तो चक्री चतुर्भुज का नियम होता है इनके सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है, अगर यहाँ 80 है तो यहाँ पे कितना बनेगा 100 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब हमें इस यक्ष का मान निकालना है, तो ये एक सरल रेखा बन रही है और सरल रेखा के ऊपर 180 अंश कोण बनता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 प्लस यक्ष बराबर 180 हो जाएगा, तो यक्ष का मान कितना आ जाएगा 80 अंश आ जाएगा, तो सी वाला जो है इसका उत्तर मैच कर रहा है। चौथा सवाल देखते हैं दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। कैसे निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे रख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को बदल देते हैं 1/ कितना कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक थीटा का सूत्र होता है 1/ कॉस थीटा। अब यहां पे हो जाएगा दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा और बटे कितना
कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम दोस्तों जानते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा इसका सही उत्तर होगा। बी वाला जो है इसका उत्तर मैच कर रहा है। पांचवा सवाल देखते हैं दोस्तों, यदि ए साइन थीटा बराबर बी कॉस थीटा हो तो साइन टू थीटा का मान बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम यहां पे क्या कर लेते हैं, यहां पे दिया है कि ए साइन थीटा बराबर बी कॉस थीटा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बी बटा ए, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है दोस्तों टेन थीटा, टेन थीटा बराबर कितना हो गया बी बटा ए। अब यहां पे हम एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं, तो टेन थीटा सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो लंब हो गया बी, आधार कितना हो गया ए। पाइथागोरस प्रमेय लगा के दोस्तों यहां पे कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण कितना आएगा, कर्णी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, यहां पे साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों लंब बटा कर्ण हो जाएगा, लंब कितना है बी, कर्ण कितना है कर्णी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है ए, कर्ण कितना है कर्णी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पे दोस्तों हमसे पूछ रहा है साइन टू थीटा का मान बताइए, तो साइन टू थीटा का सूत्र होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो टू साइन थीटा का मान आया है बी बटा कितना, करड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणते कॉस थीटा का मान आया है ए बटा करड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गुणा करेंगे तो टू ए बी बटे, इन दोनों का गुणा करेंगे दोस्तों कितना आएगा, इन दोनों गुणा करेंगे तो केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, तो साइन टू थीटा का मान कितना आएगा, टू ए बी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका सही उत्तर होगा। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसे मैच कर रहा है, बी वाला जो है इसका उत्तर जो है मैच कर रहा है, टू ए बी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। छठवां सवाल देखते हैं दोस्तों, दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं। यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, कैसे निकालेंगे दोस्तों। यहां पे दिया है कि दो जो है समरूप त्रिभुज हैं, तो हम मान लेते हैं कि पहला त्रिभुज एबीसी है और दूसरा त्रिभुज पीक्यूआर है, ये दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है। अब पहले त्रिभुज की ऊंचाई दिया है H1 का मान 6 सेंटीमीटर, दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई दिया है H2 का मान 12 सेंटीमीटर, और पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 20 वर्ग सेंटीमीटर, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल है 20 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां पे पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे दोस्तों, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनका एक नियम होता है कि इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है इनके ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। अब इसी वैल्यू रखेंगे, A1 का मान दोस्तों यहां पे है 20 बटे A2 हमें निकालना है, बराबर H1 का मान कितना है यहां पे 6, H2 का मान कितना है 12, दोनों पर कर देंगे स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहां हो जाएगा 20 बटा A2 बराबर 6 का 6, 6 दुनी 12, 1/2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना आएगा 1/4, A2 का मान निकालेंगे 20 चौक 80 वर्ग सेंटीमीटर, ये दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 80 वर्ग सेंटीमीटर, ये सही उत्तर होगा। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी वाला जो है इसका उत्तर मैच कर रहा है। सातवां सवाल है दोस्तों, त्रिभुज एबीसी में सीए और सीबी के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा डीई है, यदि डीई का मान 3 सेंटीमीटर हो तो एबी की माप कितनी होगी। सबसे पहले दोस्तों यहां पे हम त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं, त्रिभुज एबीसी बना लिया ए बी सी। अब सीए और सीबी के मध्य बिंदु, सीए ये हो गया और ये सीबी हो गया, इनका मध्य बिंदु, मध्य बिंदु इसका ये हो गया, इनका मध्य बिंदु ये हो गया, को मिलाने वाली रेखा जो है डीई है, मिलाने वाली रेखा क्या है डीई है, तो यहां पर लिख देंगे डी और यहां लिख देंगे ई। अब यहां पे पूछ रहा है दोस्तों डी का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, डी का मान 3 सेंटीमीटर है तो एबी का मान बताइए, एबी का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों। यहां पे ध्यान समझिएगा, यहां पे लगेगा मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, क्योंकि दोस्तों यहां पे ये जो बिंदु डी है और बिंदु ई जो है ये दोनों क्या है मध्य बिंदु है, तो इनका एक प्रॉपर्टीज होता है दोस्तों, यहां पे AB का मान निकालना है तो इस DE का क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो AB बराबर हो जाएगा 2 × 3, 2 × 3 = 6 सेंटीमीटर, तो AB का मान आएगा यहां पे कितना 6 सेंटीमीटर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आठवां सवाल है दोस्तों, 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल बताइए, कैसे निकालेंगे दोस्तों।
सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं 100 और 200 के बीच विषम संख्या कौन कौन सी होती है। 101, 103, 105, डैश 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 199 तक विषम संख्या होंगी। तो पहले हम ये देख लेते हैं दोस्तों कि 100 और 200 के बीच कुल विषम संख्या कितनी है। तो यहाँ पे सूत्र निकालेंगे, L बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। L क्या है? अंतिम पद है, A प्रथम पद है, N जो है पदों की संख्या है, यही हमें निकालना है दोस्तों पहले। D क्या है? सर्वांतर है। तो L की जगह रखेंगे 199, A की जगह 101 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 103 में 101 घटा देंगे कितना आएगा? 2 आएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। सॉल्व करने पर एन का मान कितना आएगा? एन का मान आएगा दोस्तों कितना? 50 आ गया। तो मतलब 100 और 200 के बीच कुल 50 विषम संख्या हैं। तो इनका हमें योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए दोस्तों सूत्र लगाएंगे, एन बटा दो कोष्टक में ए प्लस एल। तो एन की जगह रखेंगे 50, ए क्या है? प्रथम पद 101 रखेंगे, प्लस एल क्या है? अंतिम पद 199 रखेंगे। 50 बटा 2 का मतलब 25, जोड़ेंगे कितना आएगा? 300, गुणा करेंगे 7500। तो 7500 ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। सवाल नंबर 9 है दोस्तों, ये समीकरण दिया हुआ है, इसमें x का मान बताना है कौन सा होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इस सवाल को दोस्तों हम ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। यदि x का मान 9 रखने पर 12 आ जा रहा है तो 9 सही उत्तर हो जाएगा। यदि x का मान 4 रखने पर 12 आ जा रहा है तो 4 सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले x का मान 9 रखकर चेक करते हैं। तो 9 प्लस करड़ी में 9 बराबर 12। तो चेक करते हैं या 12 आता है या नहीं आता। तो 9 प्लस 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3 बराबर 12। 9 3 12 बराबर 12 आ गया। तो पहला वाला ही उसका उत्तर जो है सही हो जाएगा। तो इसमें x का मान कितना आएगा दोस्तों? 9 आएगा। 9 इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। दसवां सवाल है दोस्तों, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए कौन सा ऑप्शन इसमें सत्य होगा। तो कोई दो धनात्मक पूर्णांक है a और b, तो यहाँ पे सत्य हो जाएगा दोस्तों चौथा वाला, क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके मसा और लसा के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो चौथा वाला इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।